वेलकम टू कश्मीर न्यूज ब्यूरो। इन दिस स्पेशल इंटरव्यू सेशन वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। आप अपना नाम बताइए और ये मेकअप आर्टिस्ट आप कब से हैं? मेरा नाम मुनीसा महराज है और लोग मुझे उन्नू प्यार से बोलते हैं, और मैं पिछले 3 सालों से इस प्रोफेशन में हूँ एज अ मेकअप आर्टिस्ट। मैं तो बहुत सालों से हूँ, बट एज अ मेकअप आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, मैं 3 सालों से शूट्स में शूट कर रही हूँ। कश्मीर की अगर बात करें, हम काफ़ी कम मेकअप आर्टिस्ट कश्मीर में दिखते हैं, लेकिन आपने यही प्रोफेशन चुना जी, क्या रीज़न रहा? रीज़न तो कुछ नहीं था, ऐसा तो मैं सोच के नहीं आई थी कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन ले लूँगी, मतलब कमर्शियल प्रोफेशन लूँगी। तो ऐसे ऐसा कि यहाँ पे बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट है, तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी कर लेती हूँ एज अ ब्राइडल। लेकिन जब मैं कोर्स कर रही थी तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मुझ में कुछ है ऐसा कि मैं कुछ क्रिएटिव कर सकती हूँ जो मुझे थोड़ा डिफरेंट दिखाए। बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट है कश्मीर वैली में, सो यही रहा मेरा कि मैं कमर्शियल जाऊँगी। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा स्ट्रगल रहा है? स्ट्रगल तो इंसान, हर कोई इंसान स्ट्रगल करता है, कोई एक हिसाब से करता है तो कोई दूसरे हिसाब से करता है। तो हाँ, मैंने भी स्ट्रगल बहुत किया है, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया है। अच्छा, जो एक तो मेकअप आर्टिस्ट के टाइप्स होते हैं जी, लाइक एक तो ब्राइड का करते हैं, और लेकिन आप फिल्मों में घुसे जी, इंटरटेनमेंट में घुसे, आपने पहले से ही प्लान बनाया था? वही मैं कह रही हूँ, जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया दैट टाइम मुझे वो एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे थोड़ा हटके करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में खटक से एक आइडिया आया कि मैं कमर्शियल क्यों ना करूँ। तो मैंने दिल्ली में स्टार्ट किया, दिल्ली से ही कोर्स किया 1 साल का, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया। वहाँ मैं फैशन शोज़ वगैरह हुए, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर आगे आगे यहाँ पे मतलब लाइक अच्छा सपोर्ट मिला। आप 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? बहुत ऊंचाई पे ओबियसली। और अच्छा, ये बताइए कि जो लड़कियाँ मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वजह होते हैं कि वो बन नहीं पाते, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? स्ट्रगल है, मेहनत है, सब्र करना है। ये नहीं है कि आप जस्ट आप लोगों ने ब्रश उठाया और आप चल दिए। मुझे भी यहाँ तक 3 साल लगे पहुँचने में, तो ओबियसली एक पेशेंस लेवल आपको क्रिएट करनी ही करनी। कश्मीर में आप इस प्रोफेशन का कितना स्कोप देख रहे हैं? बहुत अच्छा स्कोप दिख रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो कुछ गिने चुने मेकअप आर्टिस्ट थे, तो आज बहुत मतलब देखा जाता है देखा जाए इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मेकअप का इन कश्मीर वैली। तो वो एक प्राउड वाली फीलिंग तो है कि लोग कर रहे हैं, लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मेकअप क्या है, क्या कर सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे, अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना पड़े मेकअप के लिए, कैसे कर सकते हैं? क्या इंस्टाग्राम पे आप? इंस्टाग्राम पे मेरा पेज ग्लैम अप बयोनू है, और वहीं पे मेरे डिटेल्स नंबर वगैरह दिए गए हैं, तो हर कोई जिसको भी चाहे वो कांटेक्ट कर सकता है। इवन मेरी ट्रेनिंग भी है, ट्रेनिंग एकेडमी है, तो कोई भी चाहे तो वहाँ मेकअप सीख सकता है। थैंक यू। ये हमारे साथी अनु जो कि मेकअप आर्टिस्ट है और कश्मीर में इन्होंने काफ़ी काम किया, इनके स्ट्रगल के बारे में हमने जाना कि 3 साल इन्होंने स्ट्रगल किया, 3 साल से ये काम कर रही है। आप देखते रहे कश्मीर न्यूज़, कैमरामैन तौकीरुल इस्लाम के साथ।